एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कनिष्का और आप लोग देख रहे हैं कनिष्का की किचन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पोटैटो ट्विस्टेड स्ट्रिप की रेसिपी, जो खाने में बिल्कुल समोसा और कचौड़ी की याद दिला देगी और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। उसको आप झटपट से मिनटों में घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इस क्रिस्पी सी और बढ़िया सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पोटैटो ट्विस्टेड स्ट्रिप्स बनाने के लिए मैंने ले लिए एक मिक्सिंग बाउल में एक कटोरी मैदा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से सॉल्ट को और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी अजवाइन को, वो भी हाथ से क्रश करके। अभी इस मैदा में हम सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, इससे जो हमारी स्ट्रिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगी। 1.5 से 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी को ऐड किया है। अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं या जो भी आप खाते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक अच्छा सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे और साथ में सब चीज़ों को अच्छे से हाथ में मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में, और इस तरीके से एक अच्छा सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। मैंने एक अच्छा सा डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस डो को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी। इतने हमारा डो रेस्ट के लिए रखा हुआ है, इतना हम लोग स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने लिए हैं 2 से 3 बॉइल्ड आलू। तीनों बॉइल्ड आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं। लिए मैंने एक बारीक कटी प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। मीडियम साइज़ की मेरी प्याज थी और मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया था। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा लिया है मैंने बारीक कटा हरा धनिया, इसको भी हम इसमें डाल देंगे बेटर टेस्ट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च को। मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी, 2 से 3 बारीक बारीक काट लेना है हमें। हरी मिर्च का जो फ्लेवर आता है किसी भी स्टफिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मैं लाल मिर्च की जगह हमेशा हरी मिर्च यूज़ करती हूँ। इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। 1/2 चम्मच मैंने भर के चाट मसाला लिया है, इससे जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, चटपटा सा निकल के। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। गरम मसाला मैंने 1/4 चम्मच लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर। इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं वाइट सॉल्ट। वाइट सॉल्ट के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो हमने चाट मसाला डाला था उसमें भी सॉल्ट था, और हम इसमें अभी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट को भी ऐड करेंगे, तो उसी के हिसाब से हमें इसमें वाइट सॉल्ट को भी ऐड करना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा, ये देखिए ब्लैक सॉल्ट लिया है मैंने 1/4 चम्मच, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल के आएगा और जो फ्लेवरफुल फ्लेवर हमारा बनेगा स्टफिंग का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इन सब चीज़ों को मैंने डाल दिया है सॉल्ट, सब सॉल्ट को जितने मैंने सब्जियाँ डाली हैं सबको हम इनको अच्छे तरीके से मिलाकर एक अच्छी से स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। जो स्टफिंग है, तो देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे। मैंने डो में से ले लिया थोड़ा सा पोर्शन, एक लोई के जितना, जितनी हम रोटी बनाते हैं उतनी ही मैंने इसमें एक लोई को लिया है। धीरे धीरे हम इसको बेल कर एक रोटी के जितना बड़ा कर लेंगे। जितनी हम नॉर्मल दिनों में रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बड़ी कर लेना है इसको। तो इसी तरीके से हम इसकी 2 रोटी को बनाकर तैयार करेंगे। एक रोटी को हमने बनाकर तैयार कर लिया है, इसको हम एक साइड में प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से इतनी ही बड़ी साइज की, इतनी ही बड़ी लोई की दूसरी रोटी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने दूसरी रोटी को भी इसी तरीके से बेल लिया है। अब हम स्टफिंग लेंगे और हाथ के हेल्प से इसको लगाएंगे। इसको इस स्टफिंग को हमें पूरी रोटी के ऊपर फैला लेना है। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं लगानी है, हमें थोड़ा मीडियम साइज में इसकी लेयर लगानी है। तो देखिए मैंने इसको पूरी रोटी पर फैला लिया है स्टफिंग को। स्टफिंग अच्छे से लग गई है हमारी, और इसको इस तरीके से एक बार और प्रेस कर लेना है। थोड़ा सा हमें इसके कॉर्नर से दूर ही रखना है क्योंकि हमें इसके ऊपर से दूसरी रोटी को चिपकाना है, तो इसलिए इसको इस तरीके से रखेंगे हम, ताकि जो हमारी दूसरी रोटी है उसको भी थोड़ा चिपकने के लिए स्पेस मिल जाए। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फटाफट से चिपका लेंगे। तो ये जो मेरी रोटी है चिपक के तैयार हो गई है। इसको इस तरीके से हाथ से हल्का सा आपको थपक देना है। हल्का सा मैं इसके ऊपर बेलन चलाऊंगी जिससे कि जो हमारी स्टफिंग है अच्छे से फैल जाए और जो रोटी है एक दूसरे से चिपक जाए, और सारा जो हमने स्टफिंग लगाई है वो इक्वली स्प्रेड हो जाए।
तो देखिए इसको मैंने कर लिया है। अब हम एक शार्प सा नाइफ लेंगे। अब हम इसको उतनी ही शेप में काटेंगे जितने बड़े हमें पोटैटो या ट्विस्टेड स्ट्रिप्स बनानी है। तो मैं इसको इस तरीके से काट रही हूँ और बीच से फिर मैं इसको एक में और काटूंगी। अगर मुझे लगेगा बड़ा है तो मैं फिर इसके तीन पार्ट भी कर सकती हूँ। तो ये देखिए मैं इसको इस तरीके से काट रही हूँ। इस तरीके से काट को आप काट कर आपको भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मेरे जो स्ट्रिप्स हैं तैयार हो गई हैं। सबसे शुरू में हम कॉर्नर वाले जो स्ट्रिप है इसको हल्का सा एक साइड से इस तरीके से कर देंगे और इस तरीके से इसको थ्री टाइम्स इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है। और जो एक्स्ट्रा मैदा इस साइड में दिख रही है ना, इसको हमें एक साइड में निकाल लेना है। तो ये देखिए ये खुलता नहीं है, इसी तरीके से रहता है। तो ये हमारे हम इसी तरीके से सबको बनाकर तैयार करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ से इनके, ये काफ़ी लंबे लंबे स्ट्रिप्स हैं तो मैं इनके यहाँ से बीच से दो पार्ट कर रही हूँ। तो अब हमने एक उठा ली है, एक को मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हम सारे स्ट्रिप्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हम सबको तैयार करेंगे। मैंने अपनी पोटैटो ट्विस्टर स्ट्रिप्स बनाकर तैयार कर ली हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, कढ़ाई में मैंने ऑयल भी डाल दिया है, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं अपने एक एक करके इसमें स्ट्रिप्स को डालूंगी और इनको अच्छे से फ्राई करूंगी। मैंने सबको डाल दिया है और इस टाइम पे हमें जो गैस है वो लो टू मीडियम में रखनी है, जिससे कि जो हमारी स्ट्रिप्स हैं वो अच्छे से फ्राई हो सकें। एक साइड से सिक जाने पर या लाइट ब्राउन हो जाने पर हम इनको पलट देंगे। हमारी पोटैटो स्ट्रिप बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इनको एक एक करके कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कुरकुरी हमारी जो पोटैटो स्ट्रिप है ये दिख रही है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है। पोटैटो स्पाइरल स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इनको किस तरीके से सर्व किया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी खाने में लगती हैं और आप देखने में तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये अच्छी दिख रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।